हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात की है मेष लग्न से लेकर के कर्क लग्न की कुंडली के जो जातक हैं वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की कुंडली जिन जिन भी जातकों की है वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित हैं। दोस्तों, मैं रत्नों को लेकर के, जेमस्टोन्स को लेकर के पहले भी दो वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें मैंने आपको यह बताया है, बेसिकली और बड़े विस्तार से यह बताया है कि रत्न कब और क्यों पहने जाने चाहिए, साथ ही साथ रत्न पहनने की जो विधि है वो क्या होती है। यदि आप उन दो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन दो वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वो दो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंह लग्न की जो कुंडली है उसमें कौन कौन से रत्न पहने जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं। दोस्तों, सिंह लग्न की कुंडली में सबसे पहला तो सूर्य का रत्न माणिक रूबी पहना जा सकता है। दूसरे नंबर पर गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज येलो सफायर ये भी पहना जा सकता है। मंगल का रत्न मूंगा रेड कोरल ये भी पहना जा सकता है। बुध का रत्न एमरोल्ड या फिर पन्ना यह भी पहना जा सकता है। और किसी विशेष परिस्थिति में शुक्र का रत्न ओपल भी पहना जा सकता है, ओपल विशेष परिस्थिति में। इसके अलावा कौन कौन से रत्न वर्जित है वो बताता हूं। शनि का रत्न नीलम या ब्लू सफायर बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और चंद्र का रत्न मोती पर्ल ये भी बिल्कुल नहीं पहनना है। तो ये दो रत्न, नीलम ब्लू सफायर या फिर मोती पर्ल, बिल्कुल भी नहीं पहनना है। अब मैंने आपको जो रत्न बताए, जो जो रत्न इस कुंडली में पहने जा सकते हैं उनके बारे में भी एक बात आप समझ लीजिए, उनके लिए भी शर्त है, वो रत्न भी हमेशा नहीं पहने जा सकते। कि सिंह लग्न की कुंडली है तो वो रत्न हर कोई पहन सकता है, ऐसा नहीं है। आप इस शर्त को बड़े ध्यान से सुनिए। जो जो भी रत्न मैंने आपको बताए, जो जो रत्न पहने जा सकते हैं इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में, उन रत्नों के जो स्वामी ग्रह हैं वो कुंडली में कहीं खराब नहीं होना चाहिए, खराब प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, कहीं नीच राशि नहीं होना चाहिए, कहीं तीसरे छठे आठवें या बारहवें भाव में जाकर के बैठे हुए नहीं होना चाहिए। यदि उन रत्नों के जो स्वामी ग्रह हैं वो खराब बैठ गए कहीं, तब भी आप वो रत्न नहीं पहन सकते। तो रत्न पहनने के लिए ये जरूर देखना कि जिस भी ग्रह का रत्न पहन रहे हैं उस रत्न का स्वामी ग्रह कहीं कुंडली में खराब तो नहीं बैठा है। खराब बैठा है तो बिल्कुल आपको वो रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न की कुंडली के जो जातक है वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और कौन कौन से रत्न किस परिस्थिति में पहन सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित हैं, यह भी मैंने आपको बताया। एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि यदि आप और विस्तार से यह बात जानना चाहते हैं कि रत्न कब क्यों पहने जाते हैं, साथ ही साथ इसकी विधि क्या होती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, यहां पर आपको दो वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के आप उन दो वीडियोस को भी विस्तार से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।